जैसा कि आज हम सभी लोग सीखने वाले हैं माइक के बारे में। मैंने आपको बताया कि पिछली वीडियो मैंने आपको सिखा रखा है जितने भी मोबाइल फ़ोन के अंदर कंपोनेंट्स आते हैं, या मैंने आपको एक पार्ट्स के बारे में भी बताया हुआ है। कंपोनेंट्स की कैटेगरी में आपके कौन से आते हैं, जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, ट्रांजिस्टर, क्रिस्टल्स, ये सारे अपने क्या होते हैं कंपोनेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन क्या रहता है कि जैसे आपका स्पीकर, रिंगर, माइक, वाइब्रेटर या डिस्प्ले, टच जैक, ये सारे अपने पार्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीखने के बाद मुझे वीडियो में मैसेज कर रहे हैं कंटिन्यू लगातार, मुझे भी अच्छा लगता है। और लगातार आप लोग ऐसे ही सीखते रहिए, और सीखने के बाद जो भी एक एक करके मैसेज है मुझे सेंड करते रहिए। आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन भी दूंगा। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन है जो आपको अगली वीडियो में आपको खुद ही मिल जाएगा, वीडियो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये तो सर ने मुझसे पूछा है और मैंने आपको उसी के बारे में वीडियो मैंने आपको बता दिया और समझा भी दिया। कि जैसे नंबर है 6391711711, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और जो भी कोई समस्या आती है आप उससे पूछ सकते हैं। देखिए आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो माइक के बारे में सीखने वाले हैं। किसके बारे में सीखने वाले हैं? माइक के बारे में। माइक का जो पूरा नाम होता है उसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोफोन। माइक का पूरा नाम क्या रहता है? माइक्रोफोन, या एक पार्ट है जो आवाज भेजता है, या एक पार्ट है जिसका काम क्या रहता है? आवाज को भेजना। ये मोबाइल फोन में आवाज की हमारी तरफ जब हम बात करते हैं तो हमारी आवाज दूसरी तरफ जाती है, तो एक पार्ट होता है जो आवाज को भेजता है। अब हम बात करेंगे रियल शेप। रियल शेप का मतलब होता है बनावट। बहुत ऐसे बच्चों ने मुझसे पूछा हुआ है कि सर रियल शेप क्या होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ बनावट। दूसरी बात क्या रहता है कि ये ऐसे छोटा सा होता है, इसका एक वायर रेड होता है, एक वायर मोस्टली ब्लैक कलर का पाया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल माइक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल माइक होता है। एक अपना माइक इस तरीके का होता है, दूसरा माइक जो रहता है ये इसके अंदर ऐसे गोला बना होता है या बैक साइड में ऐसे चार पिने बनी होती हैं, इसे हम लोग SMD माइक बोलते हैं। इसे हम लोग SMD माइक या कुछ लोग क्रिस्टल माइक भी कहते हैं। ये माइक जो होते हैं मोबाइल फोन में दो लगे हो सकते हैं, एक तो नीचे लगा होता है और एक ऊपर लगा होता है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा बोर्ड में कि दो माइक लगे होते हैं। जो नीचे वाला माइक होता है जिसे हम लोग बात करते हैं ये, तो ये हमारा प्राइमरी माइक होता है। जो हमारी आवाज़ सुनाई देती है या जो हम लाउड स्पीकर पर बात करते हैं तो वो हमारा सेकेंडरी माइक काम करता है। आप ऐसा कह सकते हैं जो प्राइमरी माइक होता है वो नीचे लगा होता है, सेकेंडरी माइक जो होता है वो हमेशा मोबाइल फ़ोन में ऊपर लगा होता है। इसका जो डिनोटिंग लेटर होता है MIC होता है, सिंबल मतलब निशान, इसका इस तरीके का निशान बना होता है, ऐसे अंदर की तरफ एरो बने होते हैं कि आवाज़ को मतलब खींचता है। आप बात करेंगे वर्क, इसका काम क्या रहता है? इसका काम रहता है या साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलना। इसका काम क्या रहता है? साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलना, ये इसका काम रहता है। अब हम बात करेंगे टेस्टिंग, इसको चेक कैसे करेंगे? मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर वन साइड वैल्यू दे तो ओके। मल्टीमीटर को हम बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर वन साइड वैल्यू देता है तो ओके। मल्टीमीटर को आप बीप पॉइंट पर सेट करेंगे, चेक करने पर अगर एक तरफ से वैल्यू देगा तो सही है, एक तरफ से वैल्यू देगा एक तरफ से वैल्यू नहीं देगा। ये जो वैल्यू होती है ये आपकी वैल्यू समथिंग 800 से लेकर के 1600 के बीच में होती है।
अगर उससे कम हो जाता है तो इसका माइक आपका वीक हो गया है, माइक ख़राब है, माइक को आप चेंज कर दीजिए। ये आवाज़ नहीं जा रही तो भी माइक को आप आराम से पहले चेंज ही करके देख सकते हैं। लेकिन जो चार पिन का माइक आता है ना, उस चार पिन के माइक की कोई अपनी टेस्टिंग नहीं होती, उसे सीधे सीधे हमको क्या करना पड़ता है, बदलना ही पड़ता है। उस माइक को हम लोग क्रिस्टल वाला माइक या आईसी वाला भी माइक कहते हैं। हाँ, बात करेंगे माइक के फॉल्टी के बारे में, माइक को ख़राब कैसे कहते हैं। फॉल्टी वैल्यू ना दे, वैल्यू नहीं देता तो ख़राब है। बीप दे तो ख़राब है। अगर इसे आप चेक करेंगे, अगर वैल्यू नहीं देता तो ख़राब है, अगर बीप देता है तो भी ख़राब है। तो इस तरीके से हम लोग क्या काम करते हैं, माइक को चेक करते हैं। तो माइक को चेक करने का तरीका क्या रहता है कि माइक चेक करने पर वन साइड से वैल्यू देता है। और दूसरी बात रहता है कि मैंने आपको माइक में एक और प्रॉब्लम आती है कि लोगों को मैं लाउड स्पीकर करेंगे तो आवाज़ जाएगी, लेकिन स्पीकर पर बात करेंगे तो आवाज़ नहीं जाएगी। वो उसका कारण ये रहता है कि नीचे वाला माइक आपका ख़राब हो जाता है और ऊपर वाला जो सेकेंडरी वाला माइक होता है वो काम करता रहता है। बहुत लोग क्या काम करते हैं, ऊपर वाले माइक को उतार के नीचे लगा लेते हैं, लेकिन आपका फिर प्रॉब्लम तो फिर बढ़ गया ना, फिर आपका लाउड स्पीकर पे आवाज़ जाना बंद हो जाएगा। तो इसलिए आप माइक को चेंज करिए। लेकिन चार पिन के माइक में समस्या इस बात की बहुत परेशानी आती है कि वो चार पिन का होने कारण से बहुत ऐसा माइक होता है कि दूसरे में मैच नहीं करता। जब मैच नहीं करता तो वो काम नहीं करता, तो फिर हमें क्या करना होता है कि ओरिजिनल माइक ही निकाल के लगाना पड़ता है, तब हमारा माइक काम करता है। इसलिए माइक का बड़ा इशू रहता है। अब देखिए, माइक का मैं आपको ट्रैक चेक करना भी सिखाता हूँ, फिर मैं आपको बोर्ड में इसको चेक करा के दिखाता हूँ। माइक को ट्रैक को चेक करने के लिए क्या रहता है कि जैसे दो पिन का माइक होता है जिसमें माइक में से दो पिन होती हैं, तो कुछ तो ऐसे माइक आते हैं जिसमें एक पिन में तो क्या होगा, वैल्यू आएगी और वैल्यू आ करके चली जाएगी, और एक पिन में क्या आएगी, वैल्यू आएगी। कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिसमें एक पॉइंट पर क्या आने लगता है, बीप आने लगता है, क्योंकि एक पॉइंट क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, एक पॉइंट क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब रही बात चार पिनों की बात, तो चार पिनों में ऐसा रहता है, चार पॉइंट दिए होते हैं जिसमें से दो पॉइंट्स होते हैं, दो पॉइंट पे तो बीप आती है, ये माइनस होते हैं, और दो पॉइंट्स में एक पॉइंट पे वैल्यू आती है, एक पॉइंट में वैल्यू आकर जाना, वैल्यू आके चली जाती है। तो इससे पता चलता है कि हमारा माइक का ट्रैक सही है, वैल्यू आ भी जाती है, तो दो पॉइंटों में रीडिंग आएगी, दो पॉइंटों में क्या आएगी, बीप आएगी। तो ये माइक के ट्रैक को चेक करने का तरीका होता है। इससे आप ये पहचान सकते हैं कि आपका माइक का ट्रैक ओके है कि ख़राब है। अब हम बात करेंगे इस चीज़ को, हम बोर्ड में चेक करेंगे। देखिए, अब तो मेरे पास कोई आज अभी तो कीपैड मोबाइल फ़ोन नहीं मिला हुआ है, मेरे पास डायरेक्ट सीधे माइक है। मैं इस माइक को आप लोगों को चेक कराता हूँ। अब देखिए, माइक को हम चेक करेंगे। देखिए, ये हमारे दो पिन का माइक है, हमने इसे चेक किया, ये रीडिंग नहीं दे रहा है, इसी को बोलते हैं वन साइड। इसका मतलब है दूसरी साइड से देना चाहिए, अगर सही होगा तो देगा ना, अगर ख़राब होगा तो थोड़ी ना देगा। चलिए हम चेक करके देख लेते हैं। ये देखिए, दे रहा रीडिंग, ये माइक हमारा क्या है, सही है, लेकिन रीडिंग कम है, वीक है माइक। चलिए सही है, इतना काम कर जाएगा, एक आध पॉइंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने इसे चेक किया, वैल्यू नहीं आ रही है। हमने उल्टा करके चेक किया, वैल्यू आ रही है। अब देखिए, इस बात से ये निकल करके आता है कि आपकी जो वैल्यू आएगी वो उल्टा वैल्यू आएगी। अगर आप इसे उल्टा चेक करेंगे तो वैल्यू आएगी, सीधा चेक करेंगे तो वैल्यू नहीं आएगी। ये माइक को चेक करने का तरीका होता है। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, चार पिन माइक के बारे में बताता हूँ। चलिए, अब चार पिन माइक के भी दर्शन कर लीजिए, कैसा लगा होता है। ये देखिए, ये हमारे पास ये फ़ोन है, इसे हम लोग क्रिस्टल माइक बोलते हैं। ये चार पिन का लगा है, कौन सा माइक बोलते हैं इसे, हम चार पिन का माइक बोलते हैं। ये फोर पिन का माइक लगा हुआ है। अब अगर आप इसी में ऊपर की तरफ देखेंगे तो इसमें ये देखिए, एक ऊपर माइक लगा हुआ है। तो ये वाला माइक आपका कौन सा माइक लगा हुआ है, सेकेंडरी माइक है। कौन सा माइक है, सेकेंडरी माइक है। सेकेंडरी माइक का मतलब क्या होता है, दूसरा वाला माइक। ये माइक आपका सेकेंडरी माइक है, और ये वाला जो नीचे की तरफ लगा हुआ है, ये हमारा कौन सा माइक है, प्राइमरी माइक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या काम करते हैं, माइक को हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा हमारा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है। और इस तरीके से एक एक करके हम सारी प्रॉब्लम को मैंने आपको बताया हुआ है। तो जैसा कि आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा हुआ है माइक के बारे में कि माइक कैसे काम करता है, और माइक को कैसे चेक किया जाता है, कौन सा प्राइमरी होता है, कौन सा सेकेंडरी होता है, और माइक ख़राब होने तो भैया सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आएगी, सिर्फ कि आवाज़ नहीं जाएगी। बस मुद्दा इस बात का कि आवाज़ ना जाने का, अगर माइक ख़राब हो जाएगा तो आवाज़ नहीं आएगी।
दूसरी बात कर मोबाइल फ़ोन में स्पीकर, रिंगर, माइक, वाइब्रेटर, डिस्प्ले टच, कॉम्बो, चार्जिंग, ये तो बिल्कुल ऐसी प्रॉब्लम है कि मोबाइल फ़ोन में समझ लो आनी आनी है। ये जनरली कस्टमर उनका यूज करेगा तो प्रॉब्लम उसमें आएगी। तो जैसा कि आज की वीडियो में सब लोगों ने सीखा हुआ है, आप लोग सीखने के बाद मुझे क्या करिए, एक एक करके जो भी डिटेल्स है मुझे दीजिए। नंबर वही है 6391711711। उस नंबर पर आप मुझे मैसेज करिए या जो भी आपके अंदर डाउट्स है, जो भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।